কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় নিহত দার্জিলিং এর যুবক নিহতের নাম ব্রিজেশ থাপা। সোমবার কাশ্মীরের ডোডায় জঙ্গি হামলায় ব্রিজেশ সহ চার সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়। ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা ছিলেন দার্জিলিং এর লেবং এর বাসিন্দা। 145 আর্মি এয়ার ডিফেন্সে কর্মরত ছিলেন তিনি। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে পাহাড়ে। জানা গেছে ডোডা টাইন থেকে 55 কিলোমিটার দূরে জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকায় জঙ্গিরা লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে সোমবার গোটা এলাকা ঘিরে তল্লাশি অভিযান শুরু করে সেনা এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী। এরপরেই নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা, পাল্টা আক্রমণ করে সেনাবাহিনী। দুই পক্ষের গুলির লড়াইয়েই আহত হন এক সেনা অফিসার সহ 5 জওয়ান। তাদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালেই 4 জওয়ানের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরও একজন জওয়ান। उसमें बोल रहा था कि वो एक दिन पहले ऊपर से नीचे आया था, ऊपर पहाड़ी से, और दूसरे दिन फिर उसको वापस उधर ही जाना था क्योंकि कोई खबर है करके उनको बोला था कि मेरे को जाने का आदेश मिला हुआ है। तो फिर वो मैं 9:30 बजे बात किया, वो बोल रहे मुझे, वो बोल रहा था मुझे 11 बजे स्टार्ट करना है यहाँ से, तो वो और 6 या 7 घंटे का क्लाइंब करना है ऊपर चढ़ के ऊपर, क्योंकि वो तो रोड नहीं है वहाँ, तो ऐसे जंगल का रास्ता ऊपर जाना होता है, तो उसको पार्टी लेके ऊपर जाना था। तो यही लास्ट बात हुआ था। अभी ऐसा है कि अभी क्योंकि उसका इंटरेस्ट छोटे से फौज में और देश के लिए लड़ना था, तो उन्होंने अपना कभी वो ऐसा इसे डरे नहीं, कभी वो झुके नहीं, और हमेशा जो है वो जो भी काम था वो अपना ठीक ठाक करता था और जो भी बोला वो सही करता था। और ये कि जैसे छोटे से ही उसको हमने बताया भी था अगर आर्मी में नहीं जाना किसी और, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक किया हुआ है, तो उन्होंने बोला था, लेकिन वो बोला नहीं नहीं मैंने आर्मी में जाना है। तो हमेशा मेरा भी कोई आर्मी का जैसे जैकेट वगैरह है वो भी लगा के वो घूमते थे। हाँ, अच्छा शौक था इसलिए। मैं अपने क्षेत्र की जनता और देश की जनता की ओर से शहीद मेजर ब्रिजेश थापा जी और उनके साथ वीरगति को प्राप्त अन्य सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमन है दार्जिलिंग की मातृशक्ति को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। दार्जिलिंग क्षेत्र की हमेशा से विशेषता रही है। आजादी से अब तक हमारे क्षेत्र ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा, जिन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, भारतीय गोरखाओं के मान सपूतों में आज उनका नाम शुमार हो गया।